बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू बुक्स बाज़ार की जानिब से हैदर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज एक बहुत ही बेहतरीन किताब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये अमलियात के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और इसमें इब्तदा से लेकर एडवांस लेवल तक मुकम्मल रहनुमाई की गई। अमलियात के हवाले से अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं और एक मुकम्मल तरीके से और हर पहलू से सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मददगार साबित होगी। 70 साल पुरानी किताब जिसकी आपको तलाश थी, अक्सीरुल अमलियात, सैयद रज़ी हुसैन रज़ी, जौनपुर इंडिया, जिसके मुसन्नफ़ मुअल्लफ हैं। और आज की किताब अमलियात के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस वीडियो में इस किताब के बारे में आपको मैं बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक मुकम्मल देखें। और किताबों के इस सिलसिले से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। खुसूसी ऑफर्स, कदीम अमलियात की 50 किताबें अब हासिल करें सिर्फ 500 रुपए में। कदीम अमलियात की 18 किताबें जिनकी असल मालियत है 50,000 रुपए अब हासिल करें सिर्फ 2,000 रुपए में। 60 तारीखी किताबें अब हासिल करें सिर्फ 299 रुपए में। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों पर मुश्तमिल 25 किताबें हासिल करें सिर्फ 500 रुपए में। जिंदगी बदलने वाली और कामयाबी हासिल करने वाली 80 किताबें हासिल करें सिर्फ 350 रुपए में। इन तमाम किताबों की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनकी तफसील के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं और सस्ती ऑफर्स हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी फहरिस्त की तो यहाँ पे तज़किरा हिसार के बारे में बताया गया कि अमल शुरू करने से पहले हिसार किस तरह बांधना है, हिसार क्या है, इस वक्त बुरूजों के बारे में मुकम्मल बताया गया इसके अंदर, और ताले सितारों का बयान है, इसके सितारों के बारे में मुकम्मल बयान है इसके अंदर, और सात नास यानी कि सातों के बारे में बताया गया है, और इसके बाद बखूरात के बारे में मुकम्मल बताया गया इसके अंदर, और हरूफ तहज्जी जिस तरह आप तज़किरा दर्द नजूम नजूम के बारे में मुकम्मल बताया गया इसके अंदर, और सातनामा हिस्सा दोम हिस्सा अव्वल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। बुर्जों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई की गई है इसके अंदर। और आप कोई भी अमल करना चाहते हैं, जब तक इन चीज़ों का इलम नहीं होगा आपको, आप अपने अमल में कामयाब नहीं हो सकते। तो एक मुकम्मल किताब है कि नए अमल के लिए, अगर आप अमल बनना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किताब है आपके लिए। और इसके बाद रिज़्क़ के बारे में मुकम्मल इसके अंदर रहनुमाई की गई है कि रिज़्क़ के लिए कौन से वज़ाइफ़ कौन से नकूश ज़रूरी हैं, उनका सारा बयान अमलियात तावीज़ इसके अंदर बताए गए हैं। नक्श किस तरह बनाने हैं, नक्शे के बारे में मुकम्मल बयान है। हुब के नक्श किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है, और ज़बान बंदी के नक्श किस तरह बनाए जाते हैं, ज़बान बंदी के अमलियात, और इसके बाद अमलियात बजरिया कुरानिया याद के बारे में मुकम्मल बताया गया इसके अंदर, और इसके अलावा और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर। तो वक्तन वक्तन सर चीज़ों को हम देखेंगे। ये सारे इसका इंडेक्स है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिसार के बारे में, तज़किरा हिसार। जिस तरह मगलूब हुक्मरान अपने गालिब के मुकाबला में किला बंद होकर मुकाबला करता है, यानी हालत आमल होने वाले मामूल की होती है, और ये अमर मुसलमा है कि आमल के मुकाबला में कई हज़ार गुना ताकत इस होने वाले मामूल में होती हैं। जो उस वक्त आज़ाद होता है, फिर इसे ये कब मंजूर होगा कि वह अपने से कमज़ोर के ज़ेर असर होकर अपनी आज़ादी को सल्ब कराते हुए इसकी मंशा के मुताबिक इसकी एक अदना से इशारे पर हर जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हो जाए। बस आमल ने इधर इस पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए अमल शुरू किया, और उधर वो होने वाले मामूल को मुकम्मल तरीक़ा पर अपनी आज़ादी का तहफ़ करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से अमल पर हमलावर होने के लिए तैयार हो जाता है। चुनाचे अमल और होने वाले मामूल की ये जंग बड़ी ख़तरनाक जंग होती है। चुनाचे इस ख़तरनाक और जानलेवा जंग के नाकस असरात से महफूज रहने के लिए आमरीन हिसार को बुरे कार लाते हैं। हिसार क्या है? कलाम रब्बानी की चंद मखसूस आयतों के ज़रिए से अमल एक ऐसी मजबूत और मुस्तहकम बातनी दीवार अपने हर चार तरफ तैयार करता है कि इसका बड़े से बड़ा दुश्मन भी किसी उनवान से इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और अगर किसी ने ज़बरदस्ती इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो जल कर खाकसर हो जाएगा। और जब अमल बख़ैर और खूबी पूरा हो जाता है तो अमल फातह और मामूल मफतूह नज़र आता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर कोई ख़तरा बाकी नहीं रहता। तरीका हिसार इसके बारे में, तरीका हिसार
हिसार का तरीका क्या है वो मुकम्मल रहनुमाई है इसके अंदर। और उसके बाद अरबा नासर मोकलना और अकसाम तावीज़ात, तावीज़ात की अकसाम के बारे में बताया गया है। तज़किरतुल बुरूज, बुरूजों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई है। जब तक आपको बुरूजों के इल्म नहीं होगा आप एक मुकम्मल आमल नहीं, कामयाब आमल कामल नहीं बन सकते। ये तज़किरतुल बुरूज इसके अंदर। और सितारों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई की गई, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था सितारों का बयान है। सितारे कितने किस्म के होते हैं, कमर, अतारद, ज़ोरा, शमस, मरीख, मश्तरी, ज़हर और ये कलमात आगे सारे। इन इब्तदा में सारी इब्तदाई चीज़ें अगर आप अमल बनना चाहते हैं तो हर चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। रुफ़ तवज्जी आ गया, बखुरात के बारे में बताया गया कौन से अमल में कौन से बखुरात जलानी चाहिए, खुशबू है। तज़किरतुल नुजूम आ गया, उसका एक इन्होंने बनाया हुआ है। और आगे हम चलते जाएंगे, ये जब भी कोई अमल आप अमल करना चाहते हैं तो अमल को जो सबसे चीज़ एक ज़रूरी होती है अमल के लिए वो सातों का इलम है कि कौन सी सात में कौन सा अमल करना चाहिए। ये सातों के बारे में मुकम्मल बता दिया गया है शब रोज़ के हवाले से और सितारों के हवाले से, बूझों के हवाले से सातों का ये मुकम्मल बयान है किस वक्त कौन सी सात है और कौन सी सात में कौन सा अमल करना है। सातों के बारे में मुकम्मल इसके अंदर रहनुमाई की गई है, ये आप देख सकते हैं। बुर्जों के बारे में आ गया सारा। इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई की गई है इसके अंदर। और हसमा के कौन सा, इसका मानी क्या है, उसके दाद कितने हैं, जमाली है, जलाली है और उसके जो मौकलात उनका क्या नाम है, खाकी या वादी, सारे मुकम्मल रहनुमाई की गई। हर इसमें हर जितने भी अल्लाह तबारक तआला के नाम है, मुबारक नाम है, उनके बारे में मुकम्मल रहनुमाई है। जिस तरह अलमजीद सबसे बुजुर्ग इसके मानी है और 57 इसका अदाद है, जमाली है ये, या कलकाइल या जबरील इसकी मुक्कल है और ये आदशी है, ये मुकम्मल रहनुमाई है सारी इसके अंदर। फिर नक्शे इसमें जमाली बताया गया इसके बारे में। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको फिर किताब ये ख़रीदना पड़ेगी और इसके मुकम्मल आप जब इसका मुतालिया करेंगे तो आप हर एक चीज़ से बाखबर हो जाएंगे। यानी नक्शों के बारे में बताया गया नक्श किस कितनी तरह के होते हैं, किस तरह आप भी नक्शे आती आदशी नक्शा बादी नकबादी खाकी, ये सारे मुकम्मल रहनुमाई की नक्शे आपने किस तरह तैयार करना है। ये हम तकरीबन 80 सफ़े हमने एक बरकरदानी कर ली है, ये सारा इब्तदाई चीज़ें हैं और इसके बाद फिर आगे वज़ाइफ वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। अब ये जो पहली फसल है यहाँ पे अमलियात तावीज़ात वसत रिज़क के लिए जो इसके अंदर वज़ाइफ बताया गया है, ये अमर रोज़ रोशन की तरह यह है कि बरकात कलाम इलाही से हम किस्म के मसाइब से यकीनी तौर पर निजात हासिल होती है बशर्ते कि इनका विरद असूल के तहत किया जाए। बहुत से नावाकफ़ और अजरत पसंद लोग असूल अमल करने पर जब अपनी मुराद को नहीं पहुंचते तो बिला वजह अमल को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं पुरजोर अल्फाज में तनबीह करूंगा कि या तो वह अपनी आदत को दुरुस्त करें और पहले असूल और तरीक़ा से आगाही हासिल करें और जब मंजिल वाकफियत मुकम्मल हो जाए और वह सब्र की मंजिल में दाखिल हों तो इस पर इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करें, यानी किसी काम में उजरत ना करें वरना कामयाबी से कोसों दूर रहेंगे। और अगर अपने हतमकान अमल ख्वानी में कोई बेकायदगी या दौरान अमल ख्वानी कोई बद एहतियाती नहीं हुई है और फिर भी मतलब हसबल ख्वाद बरामद नहीं हुआ तो सुकून कल्ब से अपनी गलती पर गौर करें, यकीन नहीं कोई खामी होगी वरना यह गैर मुमकिन बात है कि कलाम इलाही के ज़रिए हाजतमंद को इसकी मंजिल कामयाबी से हमकनार ना करे, फिर से अमल ख्वानी करे। और अगर वह बासूल नहीं बन सकता तो फिर कलाम रब्बानी से गुस्सा खाना रवैया तर्क कर दें के मरतकब गुनाह होते हैं, चुनाचे ये किताब नाहल लोगों के लिए नहीं है, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता साहब एतकाद इस किताब से इंशाअल्लाह ताला हर हर कदम पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं इस पाक बेनियाज के इसम बारका से अमलियात का तस्करा जबत तहरीर में ला रहा हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। तो यहाँ पर यह रज़ाकू बारे में बताया गया है, इसमें पाक है रब करीम का, ये इसम बारका 99 इसमा इलाही में से एक इसम है। इस इसम के मायने हैं रोज़ी देने वाला, नीज़ इसम हाजा जमाली है,
जो कोई बाद नमाज सुबह सादक अपने घर के चारों कोनों में 10-10 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला इस घर में रंज मुफलसी ना होगी। अलबत्ता दाहिने कोने से शुरू करे और मुंह कबला की तरफ से ना फिरे, ये वास्ते शायश रिज के लिए मुफीद है। ये वासी, ये सारे रिज के बारे में अमल बताए गए हैं ये सारी आयत मुबारका के जरिए। शश रिज के लिए सारे अमल इसके अंदर यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आगे फिर यहाँ पे इसके नकूश आ गए हैं, नकूश के जरिए तावीज़ात के जरिए इस तरह आप अपने रिज्क में बरकत और इजाफा कर सकते हैं, ये सारे इसके अंदर आ गए। फिर कज़ाए हाजात के लिए इसकी तशरीह की गई है और आगे फिर इसके मायने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। फिर यहाँ पे आगे नक्शा आ गया हाजात के लिए, नक्श कौन कौन से नक्शे, तरीक़ाकार सारा इसके अंदर बताया गया है। हुब के लिए यहाँ पे बहुत सारे अमल बताए गए हैं और आगे नक्श भी आएंगे हुब के लिए, ये सारे अमल जितने भी आ गए हैं हुब के लिए। ये आगे नक्श आ गए हुब के लिए, ये आप देख सकते हैं ये सारे नक्श आगे हुब के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर दरबियाँ बुग्ज़ मकरवी, यहाँ पे बुग्ज़ के लिए, अब यहाँ से बुग्ज़ वगैरह का शुरू होता है। कबल इसके के रकम रूफ इस बाब के अपने वाकफियत की बना पर अगर कशाई करे, बरादरान मानी को ये राय देता हूँ कि अगर किसी से नुकसान मामूली या कसीर पहुँच जाए तो सबसे बेहतर यह है कि वो उसे माफ़ कर दे और इंतकाम का ख्याल दिल से निकाल दे, ये भी एक बेहतरीन इबादत है। दर पे जानना हो कि गुनाह कबीरा है, अलबत्ता अपना तहफ़ जायज़ है। अपने तहफ़ के लिए और बुग़्ज़ से बचने के लिए सारे आगे इसके वज़ाइफ़ आ जाते हैं, यहाँ पे वज़ाइफ़ हैं, यहाँ पे नक्शा आ गए, नकूश के ज़रिए सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। और आगे ज़ुबान बंदी के हवाले से यहाँ पे शुरू हो जाता है, फिर ज़ुबान बंदी के वज़ाइफ़ बताए गए हैं ज़ुबान बंदी के, और आगे फिर नकूश आ जाएंगे ज़ुबान बंदी के, या नकूश यहाँ शुरू हो गए, ये सारे नकूश हैं। ख्वाब बंदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसके वज़ाइफ ख्वाब बंदी के, और आगे ये नकूश आ गए इसके। फिर तैग बंदी के बारे में है और इसके नकूश आ गए। मफरूरीन के लिए, जब मफरूर हो जाते हैं घर से उनके लिए वज़ाइफ है, फिर आगे नकूश वगैरह आएंगे, ये सारे इसके नकूश हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसमें आपको वज़ाइफ बताए जा रहे हैं, नक्श किस तरह बनाए, नक्शों के बारे में बताया जा रहा है, सातों के बारे में बताया जा रहा है, बुरुजों के बारे में बताया जा रहा है, सितारों के बारे में बताया जा रहा है। रिहाई के लिए यहाँ से शुरू हो जाता है, किसी को रहा करवाना चाहिए उसके लिए वज़ाइफ है, अमलियात हैं, आगे नकूश आएंगे। और यहाँ पे बाबत सलामती और तहफ़ बलियात है, अपनी हिफाजत के लिए बलियात से बचने के लिए, इसके बारे में वज़ाइफ आ गए हैं, ठीक है, वज़ाइफ आपने करने हैं। और आगे ये नकूश है, नकूश किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है अपने बलियात से, दूसरी चीज़ों से। फिर यहाँ पे आसेब का बयान शुरू हो जाता है और आसेब जन्नात से बचने के लिए, उसके वज़ाइफ हैं सारे, और ये आगे नकूश आ गए हैं। मैं पूरी किताब की वर्गर्दानी कर रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, अगर आप अमलियात की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन किताब है ये आपके लिए। और तरकीब हाजरात शाह जन्नात, शाह जन्नात को हाजिर करने के लिए इसके अंदर ये तरीक़ाकार बताया गया, अमल वज़ाइफ हैं सारी चीज़ें। दरबियाने सहर के लिए सारी चीज़ें, अगर जादू टोना किसी के पहुँच जाते तो उससे अगर जादू टूटने की शिकायत है तो किस तरह उससे महफूज रह सकते हैं, किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं, नकूश के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए। यहाँ पर नज़रबंदी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कंटेंट मुहैया किया है, नज़र कैसे लगती है, नज़रबंदी किसे कहते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, सारी आप किस तरह शिनाख्त करें कि बंदे को नज़र हुई है या वैसे की बीमारी है, सारी तरीक़ाकार इसके अंदर बताया गया नज़रबंदी के वाले से। फिर अमलियात के ज़रिए उसका इलाज बताया गया है नज़रबंदी के वाले, सारा ये नज़रबंदी का ही है सारा, जितना भी बच्चों को बहुत नज़रबंद होती है और इसके बहुत सारी चीज़ें नज़रबंद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सबका
मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रहनुमाई की गई है ये नकूश के ज़रिए, ठीक है। और बच्चों के लिए यहाँ पर वज़ाइफ़ बताए गए हैं, नकूश बनाए गए हैं सारी चीज़ें बच्चों के लिए। और इसके बाद औलाद औलाद नरीना के लिए, अगर कोई औलाद से महरूम है तो उसके लिए कौन से वज़ाइफ़ करने चाहिए, कौन से नक्श इस्तेमाल करने चाहिए, ये सारा औलाद नरीना के लिए यहाँ पे आ जाते हैं जितने वज़ाइफ़ हैं। और इसके बाद ये सारे औलाद के लिए जितने नक्श हैं, शिफाए अमराज के लिए मरीज़ों के लिए, यहाँ से शिफाए अमराज मरीज़ों के लिए, कोई मरीज़ शिफायाब नहीं हो रहा तो उसके लिए कौन सा अमल आपको करना चाहिए, कौन से नकुश आपको बनाने चाहिए, ये सारा उसके अंदर आ गया बीमारियों के अंदर लग। आँखों के अमराज के लिए, मिर्गी के लिए, नकसीर के लिए मैंने आपको तकरीबन बाबत बंदिश पेशाब मर्दी के लिए बवासीर के लिए तपेदिक बुखार के लिए, और मैंने तकरीबन वो पूरी किताब ही ना वो बरकरदानी कर दी है। अब कोई दोस्त ये शिकवा नहीं कर सकते यार किताब के बारे में किस किसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, ये पूरी तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो बन जानी ये वाली। तो इस किताब की मुकम्मल बरकरदानी मैंने आपको करा दी है। ये निकाह के लिए नक्श है, निकाह के नक्श वगैरह बनाना चाहते हैं आप तो इस किताब की सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि नक्श आपने किस तरह बनाने हैं, सातें कौन सी हों, सितारे किस तरह निकालने हैं, बुरूजों किस तरह, इलम उस सारी इसके अंदर स्टार्ट में बताई गई हैं। जब उन पर आप पूरी ग्रिप कर लेंगे फिर आगे आप बासानी अमल कर सकते हैं, नक्श तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मुकम्मल किताब है ये, अमलियात की दुनिया बड़ी बेहतरीन किताब है ये वाली। और ज़रूरी ज़रात में ज़रात बहुत सारे ज़मींदार हज़रात हैं जो तो अपनी ज़मीन को ज़रात को अपनी फसल की तरह महफूज कर सकते हैं, उसके लिए मुकम्मल रहनुमाई की गई इसके अंदर। ये लेने किताब होगी 424 सफ़ात हैं सर इसके, 424 सफ़ात हैं इस किताब के, और बड़ी ही बेहतरीन किताब है। अगर ये किताब आप ऑर्डर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी अमलियात की किताब आप हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किताबें बहुत सारी महंगी हैं, कुछ लोग किताबें खरीद नहीं सकते, तो मैंने एक ऑफ़र बनाई हुई है, पैकेजेस बनाए हुए हैं पीडीएफ के पैकेजेस हैं, और उसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप अपने व्हाट्सएप पर किताबें हासिल कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव करके किताबें पढ़ सकते हैं। वो 2-3 पैकेजेस हैं मेरे पास, 500 रुपये में 50 किताबें दे रहा हूँ और 2000 रुपये में 18 किताबें दे रहा हूँ, और इस तरह और भी काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। तो आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ की शक्ल में किताबें हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। खुसूसी ऑफर्स, कदीम अमलियात की 50 किताबें अब हासिल करें सिर्फ 500 रुपए में। कदीम अमलियात की 18 किताबें जिनकी असल मालियत है 50,000 रुपए अब हासिल करें सिर्फ 2,000 रुपए में। 60 तारीखी किताबें अब हासिल करें सिर्फ 299 रुपए में। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों पर मुश्तमिल 25 किताबें हासिल करें सिर्फ 500 रुपए में। जिंदगी बदलने वाली और कामयाबी हासिल करने वाली 80 किताबें हासिल करें सिर्फ 350 रुपए में। इन तमाम किताबों की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनकी तफसील के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं और सस्ती ऑफर्स हासिल कर सकते हैं।